हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ईद स्पेशल की मामी सेवई की रेसिपी। कैसे बनाते हैं, कितनी हमें शुगर लेनी है, कितनी सेवैयाँ लेनी है, कैसी चाशनी बनाते हैं। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। जब हमारी कढ़ाई हीट हो जाएगी तो हम 1 टेबल स्पून भर के घी ऐड कर देंगे। आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमारा जब डालडा एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने थोड़ा सा मखाना ले लिया है, उसको डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। डाल के अच्छे से हमें इसको रोस्ट कर लेना है ताकि जब हमारी कीमा में सेवई में पड़े तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मुंह में खाने से। आप देख सकते हैं हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। अपने मखाने को हम निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया है, हम फिर 1 टेबल स्पून भर के घी ऐड कर देंगे। जब हमारी घी हीट हो जाएगी तो हमने लगभग 1 केजी सेवैयाँ ले लिया है। हमने बारीक सेवैयाँ ले लिया है। आप बारीक से बनाएंगे तो आपकी किमाई सेवई एकदम परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं हमने अब सेवैयों को क्रश कर लिया है, क्योंकि सेवैयाँ बड़ी बड़ी रहती हैं। हमने क्रश कर लिया, एकदम बारीक वाली सेवैयाँ ले लिया है। उसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भूंज लेंगे अपनी सेवैयों को। आप देख सकते हैं हम उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्लेम को मीडियम रखना है, अपनी सेवैयों को भूंज लेना है उलटते पलटते। आप देख सकते हैं जब तक भूने जब तक हमारे सेवैयों में अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, थोड़ा रोस्ट हो जाएगी, अलग अलग सी हो जाएगी। जब आपको पता चले कि हाँ हमारी सेवैयाँ भून गई है तो आप उतार सकते हैं, अपनी सेवैयों को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सेवैयाँ अच्छे से परफेक्ट भूंज गई हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है हमारी सेवैयों से। हम अपने सेवैयों को निकाल लेंगे। अब हमने भगोना ले लिया है, हमारी सेवैयाँ ज़्यादा इसीलिए हमने बड़ा भगोना लिया है। आप इसी मेजर से कम भी कर सकते हैं। अब हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। इसी के साथ हम 2 बड़ी इलायची डाल देना है और 2 गिलास हमें पानी ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, भर के 1 गिलास हमने पानी ऐड किया। इसी के साथ हमने 150 किलो लगभग हमने शुगर ऐड किया है। हमें 1 किलो सेवैयाँ लेनी है तो 1.5 किलो हमें शुगर ऐड करना है। आप 1 किलो भी कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो 1 किलो भी कर सकते हैं। हमने 1.5 किलो किया है, उससे कम नहीं कर सकते। इसी के साथ हम अपने सेवैयों में अच्छा कलर लाने के लिए फ्रूट कलर ऐड कर देंगे। अच्छे चलाते हुए अपने पका लेंगे अच्छे से बॉयल। हमारी चाशनी में बॉयल आने लगा है, आप देख सकते हैं। हमने थोड़े से काजू ले लिया, हमने 150 ग्राम तक लगभग काजू और 150 ग्राम तक बादाम ले लिया, तो उसको स्लाइसेस में कट कर लिया, उसको भी डाल देंगे। अच्छे से डाल देंगे। हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। इसी के साथ हमने नारियल लगभग 200 ग्राम तक एकदम बारीक बारीक कट कर लिया था, आप घस के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हमने 100 ग्राम तक किशमिश ले लिया था, उसको भी एक दो टुकड़े में कर लिया था, उसको भी डाल देंगे। इसी के साथ हमने छुहारा ले लिया था, सो बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, उसको भी डाल देंगे और चलाते हुए पकाएंगे। हम लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम में अपने किमाम को पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा किमाम रेडी हो रहा है।
अब हम अपने हाथों ने देख लेंगे कि हमारा इमाम हो गया, जब हमारा तार जैसा हल्का सा पड़ने लगे, जब शहद जैसा हो जाए तो हमारा इमाम रेडी हो जाता है। अभी हमारा इमाम अच्छे से रेडी नहीं हो, 5 मिनट तक और पकाएंगे और हमारा इमाम रेडी हो चुका है। इसी के साथ हमने जो अपनी सेवइयों को भूंज करके रख लिया है, आप देख सकते हैं हमारा इमाम रेडी हो गया है। हमारा शहद जैसा हो गया है हमारा इमाम, आप देख सकते हैं। हमने सेवइयों को जो भूंज करके रख लिया है उसको भी डाल देंगे। डाल के अच्छे से फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। हमें चलाते हुए अच्छे से पका लेना है ताकि हमारा इमाम और सेवइयां अच्छे तरीके से मिल जाए एक दूसरे में। आप देख सकते हैं हम चलाते हुए पका रहे हैं। हमें लगातार चलाते हुए पकाना है अपने इमाम और सेवइयों को, एकदम अच्छे से पकाना है ताकि एकदम घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं हमारे सेवइयां अच्छे से पक गई है। हम कम लगभग 5 से 10 मिनट तक अपने सेवइयों को पकाते रहेंगे। इसी के साथ हमने 400 ग्राम तक खोवा ले लिया था, उसको हमने अच्छे से घी में कलहा लिया तो उसको भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने अपने खोए अपने मखाने को भी हमने जो फ्राई कर लिया था, रोस्ट कर लिया, तो उसको भी डाल देंगे। डाल के अच्छे से चला लेंगे ताकि एक दूसरे में घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं हमारी इमाम सेवई रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी रहती है। अगर आप ईद की दावतों में खिलाएंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे आपने कैसे बनाया।